કચ્છમાં હવામાનમાં પલટો, વાદળછાયું વાતાવરણ બન્યું. કચ્છમાં હવામાનમાં પલટો જોવા મળ્યો છે, વાદળછાયું વાતાવરણ બન્યું છે. ત્યારે હવામાન વિભાગના અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે 2 દિવસ વરસાદ પડશે, પરંતુ છૂટો છવાયો પડશે. ગુજરાત સહિત અન્ય રાજ્યમાં પણ વાદળછાયું વાતાવરણ છે અને હળવાથી મધ્યમ વરસાદ રહેશે. સ્ટોરી બાય રાજેશ લાડક, માસાપુરા ન્યૂઝ ચેનલ, ભુજ, કચ્છ. देखिए, जहाँ तक वातावरण की बात है, कल भी हमने बताया था कि वातावरण में बदलाव तो है. अभी जैसे हमने बताया था कि आज और कल 2 दिन के लिए बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना भी बनी रहेगी. साथ ही 1-2 प्लेसेस में जो है थंडरस्टॉर्म या लाइटनिंग के साथ जो है गरज के साथ बारिश भी कहीं कहीं हो सकती है. तो इसका कारण ये है कि एक तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक क्रॉस कर रहा है, तो वो और एक अभी जो सिस्टम के दूसरे की बात करें, जो जैसे हमने कल भी बताया था, एक लो प्रेशर एरिया डेवलप होने की संभावना है आने वाले 24 आवर्स में, जो ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी और उसके आसपास का जो महाराष्ट्र कोस्ट है वहाँ पे इसके डेवलप होने की संभावना है. अभी जो है एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में सिस्टम बना हुआ है, जो कि साउथ ईस्ट अरेबियन सी और उसके आसपास का जो लक्षद्वीप का एरिया है वहाँ पर ये बना है. तो इसके प्रभाव से जो लो प्रेशर एरिया जो है आने वाले 24 आवर्स में ये ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी में डेवलप होने की संभावना बनी हुई है. इन दोनों के इस सब ये जो हमने बताया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और एक ये जो सिस्टम हमारा अरेबियन सी में है, इनके इंट्रैक्शन के कारण जो है ये क्लाउडी स्काई बना हुआ है. ये सिर्फ पूरे गुजरात में ही नहीं, राजस्थान में भी क्लाउडी है, पंजाब में भी, हिमाचल में भी, पूरा कश्मीर तक जो है ना क्लाउडी वातावरण थोड़ा बना हुआ है. और ये कल तक इसका इफेक्ट रहेगा, क्लाउडी स्काई जो है कल तक रहेगा. जहाँ तक तापमान की बात है, तापमान आपका जो क्योंकि क्लाउड्स आ गए हैं तो मिनिमम तापमान में इतनी कमी नहीं आई है, वो इसीलिए 19-20 के करीब आया है मिनिमम. हालांकि यदि वर्षा होती है तो इसमें ज़रूर कमी देखने को मिलेगी. जैसे हमने बताया कि बारिश की भी कहीं कहीं होने की संभावना है, हल्की से मध्यम बारिश. जहाँ तक अधिकतम तापमान की बात है, अधिकतम तापमान में ज़रूर थोड़ा गिरावट रहेगी. जो अभी नॉर्मल से जो ऊपर चल रहा था 2 से 3 डिग्री कल तक तापमान, वो नॉर्मल के आसपास मतलब 30-31 के आसपास जो है वो आ जाएगा. और ये क्लाउडी वातावरण जो है, जैसे मैंने बताया कि 2 दिन तक रहेगा, कल तक रहेगा, परसों से इसमें थोड़ा मतलब कमी आ जाएगी और उसके बाद जो है और कमी आ जाएगी, मतलब फिर क्लियर स्काई हो जाएगा 3 तारीख के बाद. मुंबई सेंट्रल द कम्प्लीट फैमिली शोरूम अपना अद्भुत सहकार अने होपथी अमो 8મી એનિવર્સરી નિમિત્તે આપણે માટે લાવ્યા છીએ ખાસ ધમાકેદાર ઓફર. કોઈ પણ એક વસ્તુની ખરીદી ઉપર 1 વસ્તુ તદ્દન ફ્રી. ઓફર મર્યાદિત સમય માટે જ, તો જોજો રહી જતા નહીં. અમારે ત્યાંથી લેટેસ્ટ ફેશનના કપડાની અવનવી વેરાયટીઓ, ડિઝાઇનર ડ્રેસ, ડ્રેસ મટીરિયલ્સ, લેડીઝ વેસ્ટર્ન આઉટફિટ, વેડિંગ ચણિયા ચોલી, મેન્સ એથલેટિક વેર, મેન્સ કેઝ્યુઅલ વેર, ડિઝાઇનર સારીસ, બ્રાઇડલ સારીસ, ચિલ્ડ્રન વેર. કચ્છના આધુનિક લોકોની કપડાની ખરીદી માટે વન સ્ટોપ સોલ્યુશન એટલે મુંબઈ સેન્ટ્રલ. નવરાત્રી, દિવાળી તથા લગ્નસરા માટેનો તદ્દન નવો સ્ટોક આવી ગયો છે, તો આજે જ મુલાકાત લ્યો મુંબઈ સેન્ટ્રલ શોરૂમ ભુજની. અમારું સરનામું નોંધી લેશો, મુંબઈ સેન્ટ્રલ શોરૂમ, વાણિયાવાડ, ભુજ, કચ્છ. સંપર્ક 9904711440.